नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट जो हम लोग पीटी के एग्जाम दिए हुए हैं और मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अभी तक कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे टीचर्स, यूट्यूबर्स सब लोग जो है वीडियो बनाना बंद कर चुके हैं। लगता है जैसे कभी एग्जाम दिए थे, पता नहीं याद है या नहीं, वैसा सिचुएशन आ गया है। लेकिन मतलब अभी जो है फिलहाल हम अपना पर्सनल बता रहे हैं कि हम बिहार SSC सचिवालय सहायक का जो मेंस का एग्जाम है उस पे लगे हुए हैं, इसलिए जो है पटना हाई कोर्ट पे मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। और दूसरा चीज़, आए भी तो पटना हाई कोर्ट के ऊपर क्या बोले, मतलब क्या उस पे जो है बात करे, तो रिजल्ट ही नहीं दे रहा है। पहले जो है एक आशा था, एक उम्मीद था, एक मतलब कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, आने वाला है, किसी किसी के द्वारा पता चलता था। अब तो मतलब कहाँ गायब हो गया है, अब तो मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है। अब कोई कुछ बोलता भी है तो उस पर विश्वास नहीं होता है कि सच में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, कि हवाबाजी है केवल। तो इसलिए उस पर थोड़ा सा पटना हाई कोर्ट पे कुछ भी बोलना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो वैकेंसी है इतना कभी जो रिजल्ट आने में इतना लेट नहीं लगता है हाई कोर्ट का जो भी एग्जाम होता है उसमें। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें जो है इतना लेट हो रहा है। किसी किसी के माध्यम से हमको जानने को या सुनने को मिलता है कि इसमें कॉपी को रीचेक किया जा रहा है या थोड़ा सा इसको डिटेल्स में जा करके चेक किया जा रहा है। हो सकता है कोई रीजन होगा पटना हाई कोर्ट का, उसका अपना खुद का एक रीजन होगा या उसको कुछ पता चला होगा कि संभावित कोई रीजन हो सकता है। हमको उतना डिटेल्स उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन अगर रिजल्ट आता है तो तैयारी तो सबको करना है। चलिए एक चीज़ बिहार SSC जो स्टूडेंट्स का जिनका रिजल्ट आया है उनके लिए थोड़ा सा एक बेनिफिट ये हुआ, जो कि पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का भी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे और जो बिहार SSC के थे, दोनों कॉमन, उनके साथ एक चीज़ ये हुआ, अच्छा चीज़ हुआ कि मतलब इसमें हम पॉजिटिव बता रहे हैं, बहुतों के साथ निगेटिव भी हुआ होगा मानते हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव भी हुआ होगा, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि हम जैसा सोचते हैं कि अगर हम बिहार SSC में रिजल्ट में हैं तो 23 तारीख को अगर मेंस का एग्ज़ाम दे लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, होता क्या है ना कि पहले तैयारी दिमाग में था कि इंग्लिश 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 इसका लिखना है, लेकिन अब जो है ना वो चीज़ जो है दिमाग से आउट हो चुका है, तो थोड़ा सा जो प्रिपरेशन का जो लेवल है ना वो डाउन हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि पहले इंग्लिश पढ़ रहे थे, जब से भी RSSC का रिजल्ट आया तब से क्या हो रहा है, इंग्लिश साइड हो गया, GK GS फिर इन हो गया। मतलब तो आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, तैयारी होता क्या है ना कि आप ये वन टाइम में दो चीज़ करता है, मतलब एक बार में दो कंपटीशन का तैयारी करना बहुत टफ काम है, वो भी मेंस का तैयारी करना टफ काम है। तो एक तरह से जो बिहार SSC के स्टूडेंट थे उनके लिए जो है ठीक ठाक हुआ है, लेकिन जो स्पेशली जो हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। यहाँ पे उनकी तैयारी पे भी प्रभाव पड़ा होगा, सबके तैयारी पे प्रभाव पड़ा है। अब लेकिन हाईकोर्ट का रिजल्ट जो है आने वाला है, जैसा हमको सुनने को मिल रहा है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि पहले भी जो है बहुत सारे लोग बोले हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है बोले जिनका बात गलत साबित हुआ है, तो इसलिए जो है लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर बोलेंगे कि आप लोग तैयारी जारी रखिए पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का। अगर आप तैयारी नहीं रखते हैं, एकाएक रिजल्ट आ गया, हो सकता है कि 20 दिन ही आपको दे मेंस लेने के लिए, और ये भी एक कंडीशन है कि हो सकता है कि आपको 1.5 महीने भी दे एग्जाम लेने के लिए, तो आपको दोनों चीज़ को दिमाग में रखते हुए, दोनों टाइम ड्यूरेशन को दिमाग में रखते हुए तैयारी अभी ही करना है, जिनका केवल स्पेशली हाईकोर्ट असिस्टेंट। और एक चीज़ बहुत सारे लड़कों के मन में डाउट है कि इतना सारा जो है कट ऑफ को लेकर के जो है डाउट है, तो देखिए दोस्तों वो डाउट हमेशा रहेगा जब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए। और पिछला जो हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो रिजल्ट दिया था शायद 17 गुना, जहाँ तक हमको याद है कि 17 गुना के अप्रॉक्स रिजल्ट दिया था,
तो इस बार भी हमको उम्मीद है कि रिजल्ट ज़्यादा टाइम से देगा। तो इसलिए दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग तैयारी जारी रखिएगा। तैयारी अगर आप जारी नहीं रखते हैं, एकाएक अगर आपका रिजल्ट आता है पीटी में, फिर मेंस के लिए आप प्रिपेयर होना बहुत बहुत ज़्यादा टफ काम है, इतना आसान नहीं है। वहाँ पे जो है मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए मेंस निकालना। तो एकदम तैयारी करते रहिए डट के बढ़िया से। और अगर आपको कोई भी कुछ भी अगर कुछ जानना हो या कुछ पूछना हो या कुछ लगता हो कि हम बता सकते हैं, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम उस पर जो है विशेष जो है डिस्कस करेंगे वीडियो के माध्यम से और भी, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, और अगर ऐसा होगा तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे पटना हाई कोर्ट पे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पे नए होंगे, सॉरी मेरे चैनल पे नए होंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।